नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। प्लांट फिजियोलॉजी हमने CSIR नेट IRDBT ICMR के लिए स्टार्ट की हुई है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम असेंट ऑफ सैप को डिटेल में समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, तीन लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं इस टॉपिक के, स्टार्ट करते हैं असेंट ऑफ सैप से। द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड मेनली बाय द रूट्स। रूट्स क्या करती हैं, वाटर को मेनली अब्सॉर्ब करती हैं एंड इज मूव अपवर्ड और ऊपर की तरफ बेस्ड टू ऑल दी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जितने भी पार्ट हैं वहाँ वाया स्टेम के थ्रू। यूज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस। जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की और जो डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं उनकी थ्रू स्टेम, स्टेम के थ्रू, इसी को बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। चलिए जी, अब ये पाथ क्या होता है असेंट ऑफ सैप का, ये आप देख लेते हैं। देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑफ पाथ ऑफ सैप, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है आपका, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, नीचे वाला देख लेते हैं पहले। ये रूट एयर है, ये वाटर अब्जॉर्ब किया एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स एपिबाल्मा, फिर ऊपर की तरफ जाइलम थ्रू होता हुआ स्टेम तक पहुंच गया। स्टेम से आगे जाता है आपका, जाता जाता यहाँ पर स्टोमेटा लीफ में आ गया। ये लीफ का डाइसेक्शन है, ये लीव्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, मतलब पूरे पूरे आपके प्लांट में कवरअप हो जाता है। होता कैसे है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर सेल, जैसे ही रूट हेयर सेल अब्जॉर्ब करते हैं द वाटर मूव्स थ्रू सेवरल रूट टिश्यू सच एज कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल फाइनली एंटर जाइलम टिश्यू। वंस द वाटर एंटर द जाइलम, एक बार जब वाटर एंटर कर जाता है जाइलम, इट कंटिन्यू एज अपवर्ड मूवमेंट, उसके अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रहती है अंटिल इट रीचेस द, तब तक जब तक वो मेसोफिल टिश्यू तक ना पहुंच जाए। द बल्क ऑफ वाटर एंटर द मेसोफिल, काफ़ी सारा जो पानी है वो मेसोफिल सेल में एंटर कर जाएगा एंड फाइनली इवेपोरेट, वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा एंड ट्रांसपायर थ्रू द स्टोमेटा। ओनली अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज, थोड़ा ही जो वाटर है वो आपका मेटाबोलिज्म या ग्रोथ में क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। अब कुछ इससे रिलेटेड थ्योरी दी है सेंट ऑफ सैप से रिलेटेड, कौन कौन सी थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी, उसके बाद है वाइटल थ्योरी और थर्ड आपकी फिजिकल थ्योरी। ये तीन थ्योरी किससे रिलेटेड है, असेंट ऑफ सैप से। रूट प्रेशर थ्योरी क्या बोलती है उसको समझ लेते हैं। इफ़ ए वेल वाटर टोमेटो प्लांट इज कट नियर इट्स बेस, आप टमाटर लेते हो उसको, वैसे भी बहुत महंगे हो गए हैं भाई, अभी मत करना एक्सपेरिमेंट। इफ़ ए वेल वाटर टोमेटो प्लांट इज कट नियर बेस, बेस से काटते हो उसको, द जाइलम सैप इज सीन टू फ्लो आउट, तो जाइलम सैप आपको फ्लो आउट बाहर निकलता हुआ दिखेगा एट द कट एंड विद द प्रेशर, एक प्रेशर के साथ। दिस फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मैनी हर्बेसियस प्लांट, मैनी हर्बेसियस प्लांट में फिनोमेना आपको देखने को मिल जाएगा। द प्रेशर ऑफ एक्सक्यूडेशन कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग अ वर्टिकल ट्यूब, उस प्रेशर को हम दिखा सकते हैं कि वर्टिकल ट्यूब को डेमोस्ट्रेट करके टू द कट एंड ऑफ स्टेम, अ कॉलम ऑफ सैप इज सीन टू राइज इन इट। दिस प्रेशर इज एक्चुअली द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन द, ये एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है आपका जो कि डेवलप होता है इन द रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में, इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर, दैट इज नोन एज रूट प्रेशर। चलिए, इन रूट द रूट प्रेशर इज डिफाइंड बाय स्टोकिंग इन 1956, स्टोकिंग नाम के साइंटिस्ट ने रूट प्रेशर को डिफाइन किया था 1956 में, एज ए प्रेशर डेवलपिंग इन द ट्रैकरी एलिमेंट में, यह प्रेशर डेवलप होता है ऑफ द जाइलम एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ रूट, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है रूट की उसकी वजह से। द रूट प्रेशर इज कॉज्ड ड्यू टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से होता है एंड मेंटेन बाय द, और जो लिविंग सेल की एक्टिविटी है उसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। रूट प्रेशर इज रेफर्ड टू एज एन एक्टिव प्रोसेस, द प्रेशर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इफ द रूट्स आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, में अगर आप रूट को प्लेस करोगे तो ये प्रेशर आपको नहीं दिखेगा, ना ही आइसोटोनिक में दिखेगा। ऑक्सीजन सप्लाई एंड सम पॉइजन ऑल्सो अफेक्ट द रूट प्रेशर विदाउट अफेक्टिंग सेमी परमेबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लिविंग रूट आर एसेंशियल फॉर इट टू ओकर, लिविंग रूट का होना जरूरी है आपका रूट प्रेशर को ओरिजिनेट होने के लिए। इट इज बिलीव्ड दैट रूट प्रेशर में बी अ फैक्टर ऑफ सम सिग्निफिकेंस इन द असेंट ऑफ सैप, ऑल्सो इट हैज बीन डेमोस्ट्रेटेड दैट वाटर मूव्स टू द टॉप ऑफ प्लांट इवन इफ द रूट हैव बीन रिमूव्ड, लेकिन ये भी आपका देखा गया है कि आप अगर रूट को हटा भी दोगे, रिमूव भी कर दोगे, तो भी जो वाटर है वो टॉप ऑफ द प्लांट तक जाएगा। मोरओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज अबाउट, मैग्नीट्यूड होता है रूट प्रेशर दो एटमोसफियर के आसपास है, ठीक है, वाइट ने ऑब्जर्व किया था 1938 में 6 एटमॉस्फेयर के आसपास भी ऑब्जर्व किया था, विच इज जस्ट इन सफिशियंट टू रेज द वाटर लेवल अप टू फ्यू फीट्स। तो ये जो प्रेशर है ये तो कुछ ही फीट तक जा सकता है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ही जा सकता है, पूरे ऊंचाई तक तो नहीं जा सकता ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये अकेला जो है रूट प्रेशर वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपका मोमेंट के लिए। थ्यूज इट इज वर्ल्ड एक्सेप्टेड दैट रूट प्रेशर इज टू वीक, काफ़ी कमजोर है एफोर्स अकाउंट टू फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए टू द टॉप ऑफ टोल ट्रेज, जो ऊंचाई वाले हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो रूट प्रेशर थ्योरी जो असेंट ऑफ सैप की है उसको डिस्कार्ड यानी रद्दी में डाल दिया गया या उसको छोड़ दिया गया, किस वजह से, कुछ ऑब्जेक्शन लगे उनकी वजह से। वो कौन कौन से ऑब्जेक्शन थे,
स्ट्रासबर्गर ऑब्जर्व द सेंट ऑफ सैप इन द प्लांट इन विच वुड्स आर रिमूव्ड। स्ट्रासबर्गर ने ये देखा कि जो सेंट ऑफ सैप है ऐसे प्लांट में भी देखने को मिलेगा जहाँ पर रूट एब्सेंट है। तो फिर रूट का काम क्या है? रूट का ही काम नहीं है तो फिर रूट प्रेशर का काम क्या है? इन मोस्ट ऑफ प्लांट रूट प्रेशर इज अबाउट 2 एटमॉस्फेयर आसपास मिला, वाइल्ड टॉल प्लांट रिक्वायर। लेकिन जो लंबे प्लांट उनको तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ऊंचाई के लिए हाइट ज़्यादा है। एक्सक्लूडेड सैप ऑफ डिटो प्लांट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द अब्सॉर्ब्ड वाटर ऑफ नॉर्मल ट्रांसपेरिंग प्लांट। जो सैप निकलता है टॉप ऑफ प्लांट से वो बहुत कम निकल रहा है कुछ प्लांट में। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज लेस इन डिटोप्ड प्लांट एज कम्पेयर टू द प्लांट विद अपेक्स। रूट प्रेशर इज नॉट अब्सॉर्ब्ड इन प्लांट ग्रो इन कोल्ड। जो कोल्ड में प्लांट ग्रो होते हैं या ड्राउट के कंडीशन में जो ग्रो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या है, आपका रूट प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा, असेंट ऑफ सैप नॉर्मल है। रूट प्रेशर आर नॉट फाउंड इन कॉनिफर ट्रीज। रूट प्रेशर का जो फिनोमेना है जो आपके कॉनिफर ट्रीज हैं लाइक पाइनस बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये जो रूट प्रेशर है किसी भी कंडीशन में दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए आप, रूट प्रेशर डज नॉट ऑकर व्हेन प्लांट आर एक्सपोज्ड टू रिलेटिवली ड्राई एटमोसफियर, लो सोइल मॉइस्चर और बोथ, बिकॉज वाटर इन दिस टाइम इज अंडर टेंशन। क्योंकि यहाँ पर वाटर क्या है, अंडर टेंशन है। तो ये थ्योरी इन कारणों की वजह से रिजेक्ट होगी, वाटर प्रेशर थ्योरी। उसके बाद आती है आपकी वाइटल फोर्स, वाइटल थ्योरीज ऑफ असेंट ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज लिविंग सेल आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटर। ये सेल बोलती है कि आपको लिविंग सेल तो चाहिए ही चाहिए। दीज थ्योरी हैव बीन प्रपोज्ड बाय सेवरल वर्कर। गोल्ड वेस्की ने सबसे पहले दी, फिर बोस ने इस पर काम किया, फिर मॉलिश ने इस पर काम किया। गोल्ड वेस्की ने प्रपोज किया रिले पंप थ्योरी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। रिले पंप थ्योरी गोल्ड वेस्की ने आपकी प्रपोज की। उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू विच लिविंग सेल ऑफ जाइलम पैरेंचाइमा शो रिथमिक चेंज। जाइलम पैरेंचाइमा ये जो सेल है वो भी लिविंग रिथमिक चेंज आपका चेंज करती है, जैसे दिल धड़कता है आपका रिथमिक ऐसे, इन द ऑस्मोटिक प्रेशर विच कोजेज ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जिग जैग, एक बार इधर एक बार इधर, जैसे दिल धड़कता है आपका, जैसे ये नहीं आती है ऐसे रिथमेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वाटर की मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होती है। और सर जेसी बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1923 में इन्वेंटेड किया एक इलेक्ट्रिकल प्रोब, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोब बनाते हो बाय विच द एक्टिविटी ऑफ सेल इनसाइड द प्लांट बॉडी डिटेक्ट की जा सकती है, वो क्या एक्टिविटी शो कर रहा है। इंसर्टेड द नीडल ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोब अप टू सर्टेन डिस्टेंस या टाइम में वो इलेक्ट्रिक प्रोब को डालते हैं एंड फाउंड अ पल्सेटिंग मूवमेंट। और एक पल्सेटिंग मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट वो आपको उनको मिलती है एंड इन द इनर मोस्ट सेल ऑफ कॉर्टेक्स की सेल में, इधर सेल आउटसाइड द एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस के बाहर है, साइमल्टेनियस एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सपेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी मूवमेंट वहाँ देखने को मिलती है। ही केम टू द कंक्लूजन दैट सेल एसोसिएटेड विद जाइलम शो पंपिंग एक्शन। उन्होंने कंक्लूजन निकाला जाइलम से रिलेटेड जो सेल है वो पंपिंग एक्शन शो करती है, और पंप इट सैप, और जो सैप है उसको जाइलम सेल में क्या करती है, पंप करती है, आगे की तरफ धकेलती है। सेवरल अदर वाइटल थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मोस्ट ऑफ दैम वर डिस्कार्डेड बिकॉज इट वॉज डिस्कर्ड एट द टाइम दैट इवन सम पॉइजन्स लाइक पिक्रिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड ऑल्सो ट्रांसलोकेट थ्रू जाइलम। ठीक है, अब ये डिस्कार्ड क्यों है वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि कुछ पॉइजन्स थे लाइक पिक्रिक एसिड है, वो भी आपका क्या हो गए थे, ट्रांसपोर्ट हो गए थे किसके थ्रू, सैप के थ्रू। तो प्लांट क्यों चाहेगा कि वो सैप के थ्रू जाए, क्योंकि वो प्लांट को ही आगे नुकसान पहुँचाएंगे, तो ये कोई बता नहीं पाया। तो फंडामेंटल बेसिस है वाइटल फोर्स थ्योरी का, वो क्या हो गया, आपका फेल हो गया। उसके बाद आती हैं आपकी फिजिकल थ्योरीज। सबसे पहली आपकी इम्बाइबेशन थ्योरी, फर्स्ट प्रपोज बाय अंगर ने यह दी थी 1868 में, सैक ने 1878 में इसको सपोर्ट किया 10 साल बाद। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द राइज ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यू टू इम्बाइबेशनल फोर्स की वजह से, आपका पानी ऊपर की तरफ जाता है इन द वाल्स ऑफ जाइलम। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्बाइबेशनल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना है यानी पावर कितनी है, ये 100 से लेके 1000 एटमोसफियर की इसकी पावर है, मतलब इतना टाल ट्री में इतनी आपके इतने प्रेशर से ये वाटर को मूव कर सकता है। लेटर ऑन रिंगिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन्होंने प्रूव किया वाटर मूव्स थ्रू द ल्यूमन ऑफ सेल, वाटर मूव करता है ल्यूमन ऑफ सेल से, नॉट थ्रू द वाल्स, तो वाल्स से तो मूव करता है, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, इम्बाइबेशनल प्रेशर बोल थ्योरी को। उसके बाद बात करते हैं हम कैपिलरी थ्योरी की। थ्योरी ऑफ कैपिलरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल वाज बोहेम ने दी थी 1809 में, सिंस द वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू द ल्यूमन ऑफ जाइलम, ल्यूमन है जो जाइलम का वहाँ से मूवमेंट होती है, इट वॉज प्रपोज दैट कैपिलरी फोर्स मस्ट बी प्लेइंग अ डेफिनेट रोल। इन्होंने बोला कि जो कैपिलरी फोर्स है वो कोई ना कोई रोल वहाँ पर प्ले करता है। दिस थ्योरी बीन रिजेक्टेड, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी फोर्स इज टू लो, इतनी कैपिलरी फोर्स में ताकत नहीं है कि वो जो है राइज कर दे वाटर को टाल ट्री लंबे ट्री तक। वेसल विच आर ब्रॉडर देन द ट्रैक इट कैन कंडक्ट मोर वाटर, वेसल्स हैं वो ब्रॉडर हैं, चौड़ी हैं आपकी, तो वो ज़्यादा वाटर क्या करेंगे आपका कंडक्ट करेंगी देन वेसल्स।
मोरावर द वेसल ऑफ स्प्रिंग वुड प्रोवाइड मच कंडक्शन ऑफ वाटर। स्प्रिंग वुड में जो वेसल होती है ज़्यादा वाटर कंडक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू द वेसल ऑफ ओटमन सीजन या ओटमन वुड। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कैपिलरी। तो ये तो एक लॉ ऑफ कैपिलरी के अगेंस्ट हो गया, तो इसलिए इस थ्योरी को आपका क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आती है आपकी एटमोसफेयरिक प्रेशर थ्योरी। द वाटर ट्रांसपायरिंग फ्रॉम द लीव्स विच रिड्यूसेस द प्रेशर इन द जाइलम। जैसे जैसे पानी उड़ेगा तो प्रेशर वहाँ पर कम होता जाएगा जाइलम में, एंड ये गैप फिल करने के लिए आपका वाटर जस्ट बिलो ड्यू टू एटमोसफेयर प्रेशर से वो करेगा, पंप अप करेगा। अब इस थ्योरी पर क्या ऑब्जेक्शन है? प्रेशर ऑफ फ्री जो सरफेस एट द लोअर एंड ऑफ प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर द एटमोसफेयरिक प्रेशर टू ऑपरेट विच इज नॉट फाउंड इन रूट्स। द एटमोसफेयरिक प्रेशर कैन रेज द वाटर ओनली अप टू 34 फीट। ये इस के थ्रू 34 फीट तक ही वाटर आपका क्या हो सकता है, रेज हो सकता है। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इट टू रेज वाटर बियॉन्ड दैट, इसके आगे नहीं जा सकता, इसलिए इस थ्योरी को वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया गया। और नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी ट्रांसपिरेशन पुल या फिर कोहेशन ऑफ वाटर थ्योरी। कोहेशन टेंशन थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय डिक्सन ओजोली ने दी थी 1894 में, अस्कांसे ने 1895 में, कुर्टिस क्लर्क ने भी काम किया, बोंदर एंड गैल्स्टन ने भी काम किया और ग्रामर एंड कोजालवस्की ने भी काम किया। तो इन्होंने कुल मिला के क्या बोला? कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन अनब्रोकन कंटिन्यूस वाटर कॉलम। जो वाटर कॉलम बनता है कंटिन्यूस वो आपकी कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी है जो वाटर मॉलिक्यूल की, उसकी वजह से बनता है जाइलम में। ट्रांसपिरेशन पुल या टेंशन होगी, क्रिएट होगी, ठीक है, वाटर कॉलम बनेगी उसकी वजह से। जाइलम वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जाइलम वेसल जो कि आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ प्लांट। सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर विद देयर एंड वॉल्स परफोरेटेड फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस ट्यूब बनाएंगे। दीज आर सपोर्टेड बाय जाइलम ट्रैकेडी, सपोर्ट होंगे आपके जाइलम ट्रैकेडी से, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग पोर्स ऑन देयर वॉल्स। वन हैंड ऑफ जाइलम ट्यूब इज कनेक्टेड विद द रूट हेयर बाय अ पेरिसाइकिल से कनेक्ट है, दूसरा एंडोडर्मिस से, तीसरा कॉर्टेक्स से, एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड विद द सबस्टोमेटल कैविटी इन द लीव्स वाया मेसोफिल सेल। द ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर। जो ट्यूब है वो आपकी वाटर से क्या होगी, फिल्ड होगी। ये देखिए आपकी ये जाइलम एलिमेंट है, ये आपकी वेसल्स हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रैकेड। ये देखिए वेसल्स आपकी चौड़ी हैं, ब्रॉडर हैं देन ट्रैकेड्स। द वाटर इज फिल्ड इन साइड द जाइलम कैपिलरीज एंड ड्यू टू कोहेशन। कोहेशन क्या होता है? फोर्स होल्डिंग अ सॉलिड एंड लिक्विड टुगेदर ओविंग टू अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से होता है कोहेशन, एंड एडहेशन स्टिकिंग टू सरफेस, जुड़ा रहता है आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनेगा। द वाटर कॉलम कैनॉट बी ब्रोकन। जो वाटर कॉलम बना है वो टूटेगा नहीं और पुल्ड अवे फ्रॉम द जाइलम, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोहेशन और एडहेशन ऑफ जो फोर्स है वाटर का वो काम कर रहे हैं। द वाटर कॉलम इज सब्जेक्टेड टू वेरियस फोर्सेज। कई फोर्सेज होते हैं जो वाटर कॉलम को तोड़ने का काम करते हैं। पहला जो फोर्स है वो खुद जो वेट होता है कॉलम का वो है, और दूसरा क्या है, ट्रांसलोकेशन के दौरान जो आपके रेजिस्टेंस होती है, अवरोध होता है वो। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोहेसिव फोर्स इज मच हाई, कोहेसिव फोर्स का जो पावर है वो ज़्यादा होती है 350 एटमोसफियर के आसपास, तो इसलिए जो कॉलम है वो दूसरे फोर्सेज की वजह से टूटती नहीं है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन डिसकंटिन्यू द वाटर कॉलम इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल। कई बार एयर बबल आ जाते हैं, उनकी वजह से आपका क्या हो जाता है, जो वाटर की मूवमेंट है या जो वाटर कॉलम है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, 1902 में बिलीव दैट द एयर बबल एंटर इन टू द जाइलम। उन्होंने माना कि एयर बबल एंटर कर जाते जाइलम में, विच ब्रेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वाटर कॉलम की उसको ब्रेक कर देते। बट स्कोलैंडर ने बोला आई सो दैट एयर डज नॉट ब्लॉक द एंटायर कंडक्टिंग सिस्टम। उन्होंने बोला कि पूरे के पूरे कंडक्टिंग सिस्टम को एयर ब्लॉक नहीं करती है। इवन इफ एयर बबल्स वर इंट्रोड्यूस, अगर एयर बबल आ भी गए, द इंडिविजुअल वाटर कॉलम वर अनब्रोकन, टूटेगी नहीं एंड कंटिन्यूस विद इच अदर बोथ इन द वर्टिकल एंड लेटरल डायरेक्शन। तो अगर पिट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से वो कंटिन्यू रहती है। इट इज़ क्लियर दैट वाटर कॉलम इन द जाइलम आर कंटिन्यूस, ये क्लियर हो गया। द एक्सटेंड फ्रॉम सब स्टोमेटल कैविटी लीव्स टू द रूट्स में जाती हैं वो। दिस अनब्रोकन वाटर कॉलम आर जस्ट लाइक स्टील रोप्स विच आर एक्सटेंडेड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स। इफ दिस रोप इज पुल्ड फ्रॉम द टॉप द एंटायर रोप विल मूव अपवर्ड, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इन प्लांट द पुल इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ये जो पुल है वो जनरेटेड होगा आपका ट्रांसपिरेशन की वजह से, इसलिए इसको ट्रांसपिरेशन पुल बोला जाता है। द वाटर वेपर इवेपोरेट होगा मेसोफिल सेल से टू द इंटरसेलुलर स्पीसीज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपिरेशन। द वाटर वेपर आर ट्रांसपायर्ड थ्रू द स्टोमेटल पोर। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मेसोफिल सेल प्रोड्यूसेस अ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, में कमी होगी। द सेल्स ऑफ मेसोफिल सेल बिकम मोर कंसंट्रेटेड, कंसिक्वेंटली द वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सैप यानी सोल्यूट बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल, वाटर की जो अमाउंट है वो कम होगी।
जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम सेल टू सेल अलोंग द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. फाइनली द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द लीफ इज ट्रांसमिटेड टू द वाटर फील्ड इन द जाइलम एलिमेंट. द दिस एग्जिट अ पूल एंड वाटर फील्ड इन द जाइलम कम्स इन द स्टेट ऑफ टेंशन. दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ट्रांसपिरेशन पुल क्या है. दिस टेंशन जनरेटेड एट द टॉप ऑफ द अनब्रोकन वाटर कॉलम इज ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड फ्रॉम द पेटिकल स्टेम एंड फाइनली रीच टू द रूट तक पहुंच जाएगी. स्कोलेंडर एंड स्कूलिंग ऑब्जर्व दैट द वाटर फील्ड इनसाइड द जाइलम कैपिलरीज इज रियली अंडर टेंशन में होती है, वो फोर्स होता है वहाँ. दे मेजर्ड दिस टेंशन, उन्होंने मेजर की टेंशन को अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशन एंड फाउंड दैट इट वेरीड फ्रॉम अ फ्यू टेंथ ऑफ ए मेगा पास्कल बिलो जीरो टू मोर नेगेटिव देन -8. ठीक है, तो दिस थ्योरी स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दैट द कोहेशन वाटर एंड द ट्रांसपिरेशन जो पुल होता है वो रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड जो मूवमेंट है सैप का इन द प्लांट. ठीक है, तो इसके जो सपोर्ट में वो थे वो सपोर्ट दिया है इस थ्योरी के क्या क्या है. इफ़ द वाटर इज अंडर टेंशन है द स्ट्रेन इन द वेसल शुड चोज द डायमीटर टू डिक्रीज. मतलब डायमीटर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा. ए डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्री स्टेम हैव ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसपिरेशन आई. जब ट्रांसपिरेशन आई होता है तो आपका डिक्रीज आपको देखने को मिलता है. ये चारों के चारों आपके क्या है, इसके फेवर में बातें हैं. ठीक है, और इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है. मान लो कोई चीज़ आती है उसका क्रिटिसिज्म भी होगा. क्रिटिसिज्म क्या है, कोहेशन थ्योरी एज्यूम ट्रैक इट टू बी मोर इफेक्टिव. कोहेशन थ्योरी ने ट्रैक इट को ज़्यादा इफेक्टिव माना है देन वेसल्स. अब रिसेंट फाइंडिंग जो आई है उन्होंने कहा कि वेसल जो है इंस्टेड ऑफ ट्रैक इट आर मोर एफिशिएंट इन अपवर्ड मूवमेंट. वेसल ज़्यादा आपकी एफिशिएंट है. कुछ नई डिस्कवरी होगी तो वो तो फिर वही है, चेंज तो होगा कंसेप्ट. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ओकर्स इवन वेन द कंटिन्यूटी वाटर कॉलम इज ब्रोकन बाय ओवरलैपिंग कट. मान लो कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन होगी तब भी आपका वाटर मूवमेंट चलती रहती है. मिलबर्न और जॉनसन ने 1966 में पता लगाया कि जो वाटर कॉलम है फ्रीक्वेंटली ब्रेक होती है इवन हर्बेसियस प्लांट में भी. द असेंट ऑफ सैप हाउएवर कंटिन्यूस अंडर सच कंडीशन. फिर भी जो असेंट ऑफ सैप है मूवमेंट वो चलता रहता है. लास्ट एंड फाइनल जो फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे आपके असेंट ऑफ सैप को, सिंस द वाटर ट्रांसपोर्ट इज रेगुलेटेड बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पूल, ऑल दिस फैक्टर विच अफेक्ट द रूट ऑफ रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट आल्सो इन्फ्लुएंस द असेंट ऑफ सैप. वही है भाई, हाई टेम्परेचर, लो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी, रैपिड ट्रांसपिरेशन, दिस फैक्टर आल्सो प्रमोट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये पैरा इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं, पानी का ऊपर जाना या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, विंड वेलोसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की वो हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपका सेंट ऑफ स्टेप कंप्लीट होता है. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और आपका जो क्वेश्चंस हैं इसके वो हम जैसे ही चैप्टर पूरा होगा उसके बाद डिस्कस करेंगे. बाकी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें. धन्यवाद, थैंक यू.